कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा शासनकाल में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। रीवा में पुनर्घनत्वकरण के नाम पर सरकारी जमीनें बेचकर बिल्डरों को बड़ा बनाया जा रहा है। ठीका लेने वाला राजेंद्र शुक्ला का रिश्तेदार है या कोई चहेता? कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें राजेंद्र शुक्ला की सहभागिता न हो। शहर अध्यक्ष ने कहा कि समान चौराहे का फ्लाईओवर हो, चाहे रेलवे फ्लाईओवर हो, चाहे सिरमौर चौक, सभी में जो ठेकेदार हैं वो एक गिरोह के लोग हैं जिसके सरताज राजेंद्र शुक्ल हैं। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने राजेंद्र शुक्ल पर किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा यह व्यवस्था जनवरी 2023 से आ गई है और रीवा के शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ खाने के लिए ज़्यादातर लोग आटे का उपयोग करते हैं, चावल का नहीं करते हैं। वो लोग तड़प रहे हैं, वो लोग विनती करते हैं कोटा वालों से कि नहीं नहीं हमें चावल मत दो, हमें आटा दो। जब पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी गोल्ड मेडल लेते हैं कि गेहूं की पैदावार ज़्यादा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, तो अगर जब गेहूं की पैदावार ज़्यादा है तो आप गेहूं क्यों नहीं दे रहे हैं, चावल क्यों दे रहे हैं? चावल इसलिए दे रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी का खुद का बेयर हाउस है, उनके रिश्तेदार का बेयर हाउस है, उनके जितने राइस मिलर हैं सब उनके जेब के नीचे के लोग हैं। कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है और कोई सहयोगी के रूप में है, चंदा सहयोगी के रूप में है। उनको फायदा पहुंचाने के लिए वो चावल जो वेयर हाउस में सड़ जाता है वो बाद में कोटा में आता है और कोटे से वो सड़ा हुआ चावल गरीबों को खाने को मिल रहा है। तो मैं राजेंद्र शुक्ला जी से कहना चाहता हूँ कि पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जितने लोगों को आपने ज़मीनें दी है अपने सामने बैठा के उस कोटे वाला चावल खिला दीजिए तो हम मान लेंगे कि ये चावल सही है। ये सब मेरी बातें आपके बीच में हैं और मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इन सब चीज़ों को गंभीरता से लीजिए कि देश के कुछ लोग बड़े आदमी बनते जा रहे हैं और आम आदमी गरीब होता जा रहा, गरीब से गरीब होता जा रहा। वही स्थिति रीवा की है। रीवा में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत सरकारी ज़मीनें बेच के आप लोगों को बड़ा आदमी बना रहे हो, ठेका आपको खुद लेना है या आपके रिश्तेदार को लेना। कोई रीवा का एक ठेका आप बता दीजिए जो राजेंद्र शुक्ला जी की जिसमें सहभागिता न हो, चाहे वो सिरमौर चौराहे के ओवरब्रिज का ठेका हो, चाहे वो समान चौराहे के ओवरब्रिज का ठेका हो, चाहे वो रेलवे ब्रिज का ओवर ठेका हो। ये कौन है ठेकेदार? ये ठेकेदार आप जब देखेंगे वो चंद गिरोह के लोग हैं जिनका सरताज और जिनका राजा आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप खूब ठेका दीजिए, आप खूब पुनर्घनत्वीकरण योजना में तरक्की कीजिए, आप भी करिए, आपके लोग भी करें, लेकिन गरीब को गरीब और मत करिए। आप गरीब को अमीर करने की बात कीजिए। आपकी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आपका विकास हो गया, आपके अपने लोगों का विकास हो गया, लेकिन रीवा शहर के 45 वार्डों के गरीबों का विकास नहीं हुआ और गरीब हो गया। मेरे नहीं है, नगर निगम के हैं। नगर निगम के आंकड़ों में साफ है कि 78,598 लोग राशन उठा रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो राशन नहीं उठा पा रहे हैं, उनके कार्ड बने हुए हैं। ऐसा क्यों? अगर आपके 15 वर्षों के 2003 से लेकर 2023 का ये दौर आ रहा है, आप विधायक हैं, मंत्री रहे हैं और रीवा के सबसे पावरफुल मंत्रियों के माने जाते हैं, और आपके चंद भैया जी के आशीर्वाद वाले लोग जो पानी पिलाते हुए बोर्ड लगाते हैं, भैया जी के आशीर्वाद से प्याऊ पिलवाते हैं, वो लोग सिर्फ बड़े आदमी बन गए और गरीब गरीब हो गया। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सत्यापित बात आपसे कर रहा हूँ। और अभी पूरे देश के अंदर एक आंकड़ा आ गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग भारत में हैं, ये आंकड़ा आया है। तो इस आंकड़े के आधार पे, इस रीवा के सत्यापन के आधार पे, वो आंकड़ा भारत देश का है और रीवा शहर का भी आंकड़ा ये है कि रीवा में 50% से अधिक आबादी गरीब है। और सवाल मैं बार बार आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि गरीब क्यों हैं? अगर आप विकास की बात करते हैं, पुल बनवाने की बात करते हैं, जमीन बेचने की बात करते हैं, ठेकेदारी की बात करते हैं, तो इस गरीब की बात कौन करेगा? साइकिल चलाने वाले की बात कौन करेगा? रिक्शा चलाने वाले की बात कौन करेगा?
ई रिक्शा चलाने वाले की बात कौन करेगा, ऑटो चलाने वाले की बात करेगा, ये लोग कब विकास की श्रेणी में आएंगे, इनका विकास कब होगा? मैं मंत्री जी से सवाल है मेरा कि इनका जवाब दें। रीवा की जनमानस जानना चाहती है कि इनका विकास कब होगा। अभी एक नया फरमान आ गया, वो फरमान ये है कि जनवरी 2023 से पहले आपको 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मिलता था रीवा शहर के अंदर 60 कोटों में। 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। अब स्थिति बदल गई, अब स्थिति ये हो गई कि 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं। 60 कोटेदारों से जब मैंने व्यवस्थित रूप से कुछ लोगों से मिल के उनसे चर्चा की और कुछ मेरे पास रीवा के खाद्यान्न लेने वाले हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो हमसे मिली, उन्होंने कहा कि हमारे घर में चावल चलता है नहीं, हमारे घर में आटा चलता है। लोगों का स्वागत है। रीवा नगर निगम के 45 वार्ड और नगर निगम के आधार से ये नगर निगम का पेपर है, आप देख रहे हैं। अठहत्तर हजार 598 लोग खाद्यान्न कोटा से उठा रहे हैं। रीवा नगर निगम के 45 वार्डों के अंदर संचालित 60 कोटे की दुकानें हैं, 60, जिसमें अति गरीबी परिवार के 12,078 और टोटल कार्डधारी हैं 18,113। और बहुत सारे हमारे वार्डों के अंदर रहने वाले सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग अभी भी गरीबी और अति गरीबी रेखा के अंदर जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें खाद्यान्न नहीं मिलता है। उनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। रीवा के अंदर नगर निगम के वोटर की हम बात करें तो 1.5 लाख, 1,60,000 के आसपास, और टोटल हम बात करें जिनमें राशन के कार्डधारियों को खाद्यान्न मिलता है तो कोई 15 साल का भी होता है, 10 साल का भी होता है, कोई 18 साल का भी है, तो टोटल 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख के आसपास जनसंख्या अनुमानित आती है, जिसमें से 30-40 हज़ार लोग गरीबी अति गरीबी के बीच में है लेकिन राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। रीवा में 50% लोग आबादी के हिसाब से, वोटर के हिसाब से 50% लोग गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अति गरीब है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक विकास पुरुष हैं राजेंद्र शुक्ला जी, जो लगातार बात कर रहे हैं कि रीवा विकास की ओर दौड़ रहा है। वो बाकायदा ओवरब्रिज की वीडियो बनवाते हैं, बाकायदा सड़क में घूमते हैं, फोटो दिखवाते हैं। मेरा राजेंद्र शुक्ला जी से सवाल